नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। यस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ए द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, बी बैंक ऑफ रामाराम, सी बैंक ऑफ इंडिया या डी बैंक ऑफ बड़ौदा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर, लंबी चर्चा के बाद धराशाही हुआ अविश्वास प्रस्ताव, मेयर और उप मेयर ने हासिल किया पार्षदों का विश्वास मत। भागलपुर नगर निगम में पिछले एक सप्ताह से जारी नगर सरकार पर संकट अब पूरी तरह से टल चुका है। वहीं 28 पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव भी लंबी चर्चा के बाद पार्षदों के संख्या बल की कमी होने के कारण खारिज हो चुका है। इसके साथ ही मेयर सीमा शाह और उप मेयर राजेश वर्मा अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। इन सब के बीच आश्चर्यजनक यह भी रहा कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए आयोजित चर्चा में मेयर और उप मेयर समेत केवल 24 पार्षद ही पहुँचे। मंजूरी खुदा होता। आज हमको लगता है 2 महीने 6 महीने जो भी हुआ, अभी नगर आयुक्त उसमें नगर आयुक्त महोदया से बात भी हुई थी, वो पे हम लोग कायम हो रहे हैं। काम भी मतलब जो आप सिस्टम पे था वो काम सिस्टम पे आ चुका है, ऐसी बात नहीं। और जब जब सिस्टम पे आती है तब तब बाधा डालती है, ये भी बात है। जब जब काम पे सिस्टम आती है उसमें बाधा डाल, तो उसे वो उलझाने का काम होती है, काम आगे नहीं, काम होती है सिर्फ उलझाने का। राजनीति के तहत हम लोगों के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की जो नींव रखी गई वो भागलपुर विधानसभा चुनाव के दौरान रखी गई, और रखने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, भागलपुर के विधायक और पूर्व के महापौर, इन तीनों लोगों ने मिलकर जहाँ विधानसभा चुनाव में गोड्डा सांसद और नगर विधायक अलग अलग नजर आ रहे थे, वही हम लोगों के ऊपर अविश्वास लगाने में दोनों तीनों एक साथ नजर आ रहे थे। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी उम्र 28 साल है, जितना उनका राजनीतिक तजुर्बा है, अगर तीनों लोग परेशान हो गए और तीनों लोगों को दिन रात एक एक पार्षदों के घर जाना पड़ा, कॉल करना पड़ा, विनती करनी पड़ी, गुहार लगानी पड़ी, तो मैं समझता हूँ कि मैंने शहर में कुछ तो बेहतर काम किया है कि उनकी नींद और चैन हराम। साथ ही साथ मैं गोड्डा के सांसद महोदय से कहना चाहता हूं, जिन्होंने अविश्वास के अगले दिन लिखा था पूरे विश्वास के साथ अपने फेसबुक अकाउंट से कि एक था उप भागलपुर। अब आप सोच सकते हैं कि उनका आक्रोश कितना था कि महापौर साहिबा सिर्फ मेरे नॉमिनेशन में आ गए इसलिए इन तक को नहीं छोड़ा। जिला परिषद इस अविश्वास में जिला परिषद अध्यक्ष हमारे साथ थे तो उन तक लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हुई। आज हम लोग के विरोध में 22 पार्षद यहाँ मौजूद थे, 28 पार्षद हमारे हित में थे, 22 पार्षदों ने भी अंतोगत्वा जब उन्होंने आरोप जो लगाया उस आरोप पर हम लोगों ने जब अपनी जवाब को रखने का काम किया, उन्होंने आरोप लगाया कि हम पार्षदों का सम्मान नहीं करते हैं, मैंने उनका जवाब दिया कि यही शहर के वो पार्षद हैं जिनके घर के बाहर पानी के लिए लोग आंदोलन और विरोध करते थे, तो हमने एक तरफ पदाधिकारी से लड़ाई लड़ी, दूसरी तरफ उनके सम्मान को बचाने के लिए अपने तरफ से बोरिंग गड़वाने का काम किया। हम लोगों ने हमेशा सम्मान दिया, सभी बातों को रखा, उसके बाद सभी जो बचे हुए 22 पार्षद थे उन्होंने भी हम लोगों को अपना समर्थन दिया। अस्पताल इसलिए इसके प्रक्रिया को संचालन कराने के लिए एक अध्यक्ष के चुनाव इन्हीं लोगों में से पार्षद में से चुना गया और उन्होंने उसका संचालन कराया, और संचालन में जो पर्याप्त बहुमत होना चाहिए प्रस्ताव को पास होने के लिए वो नहीं प्राप्त हुआ, इसके कारण गिर गया। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ।
जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नवगछिया के गोपाल गौशाला के कार्यालय का ताला तोड़ा गया, चोरों ने की चोरी। नवगछिया के गोपाल गौशाला कार्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा कार्यालय का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। चोरों ने कार्यालय का ताला तोड़कर नकदी सहित सामानों की चोरी की है। चोरों ने कार्यालय के गोदरेज में रखे कुल 31,640 रुपए नगद व सामानों की चोरी की है। चोरों द्वारा चोरी की घटना से पूर्व गौशाला में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है एवं एलईडी को भी तोड़ दिया गया। घटना के संदर्भ में गौशाला के सचिव राम प्रकाश रुंगटा ने नौगछिया टाउन थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में दिए आवेदन में उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे गौशाला के मैनेजर द्वारा सूचना मिली कि गौशाला के कार्यालय में चोरों द्वारा ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलने पर वह गौशाला पहुंचे तो देखा कि कार्यालय का ताला टूटा हुआ है, सभी सामान बिखरे हुए हैं। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया टाउन थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने कहा कि गौशाला में हुई चोरी की घटना के संदर्भ में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। नौगछिया एसपी ने थाना अध्यक्ष के साथ किया मासिक अपराध गोष्ठी, दिए कई निर्देश। नौगछिया बाजार समिति स्थित पुलिस लाइन में बुधवार को एसपी स्वप्ना जी मिश्राम की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी में एसडीपीओ दिलीप कुमार मौजूद थे। अपराध गोष्ठी में एसपी ने सभी थाना अध्यक्ष को अपने अपने थाना क्षेत्र में हर हाल अपराध को नियंत्रित करने का निर्देश दिया है। सभी थाना अध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्र में सूचना तंत्र को मजबूत करने एवं हर गतिविधि पर निगरानी करने का निर्देश दिया है ताकि कोई अपराध की घटना न हो। इसके साथ ही उन्होंने अपराध की घटना में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। नौगछिया मास चेकिंग में 124 लोगों से एवं 4 वाहन चालक से वसूला गया जुर्माना। नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास चेकिंग अभियान चलाया गया। बुधवार को मास चेकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र से कुल 124 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया। सभी से पुलिस ने कुल 6200 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं इस दौरान 4 वाहन चालकों से 4000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारे। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया वेल्डिंग करने के क्रम में सिलेंडर ब्लास्ट करने से 2 झुलसे, स्थिति गंभीर मायागंज रेफर। रंगरा थाना क्षेत्र के मदरोनी चौक पर एक रसोई गैस सिलेंडर के ब्लास्ट कर जाने से सोहरा निवासी 60 वर्षीय मदन साह और 25 वर्षीय दीपक कुमार गंभीर रूप से झुलस गए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा दोनों घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद स्थिति गंभीर बताते हुए चिकित्सकों ने भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। समाचार लिखे जाने तक दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। नवगछिया बीहपुर विधायक का मनाया गया जन्मदिन। बीहपुर विधायक इंजीनियर कुमार सैलन के समर्थकों ने उनका जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस अवसर पर कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी ज्ञानदेव कुमार ने बताया कि उन लोगों ने इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें शतायु बनाए ताकि लंबे समय तक वे बीहपुर विधानसभा में विकास कार्य करते रहे। नवगछिया के रंगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 275 लोगों का कोरोना जांच, सबों की रिपोर्ट आई निगेटिव। रंगरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को 275 लोगों का कोरोना जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया। जांच रंगरा पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार के देखरेख में किया गया। सुबह 10 बजे से रोगियों की सैंपलिंग शुरू कर दी गई थी और देर शाम तक सैंपलिंग किया गया।
नारायणपुर स्वर्ण व्यवसायी से रंगदारी मांगने का आरोपी बिट्टू यादव ने किया आत्मसमर्पण। मथुरापुर बाजार के स्वर्ण व्यवसायी सोनू ज्वेलर्स के संचालक अनंत पोद्दार से दिन के दोपहर में 30 दिसंबर को कट्टा लहराकर बीच बाजार में पीटकर 4 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मुख्य आरोपी बिट्टू यादव ने नौकचिया पुलिस के दबिश पर भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार द्वारा संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी करने पर घबराकर बिट्टू यादव ने 9 दिसंबर बुधवार को नौकचिया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इधर पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी में है, उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने दी। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें। विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303667170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया राष्ट्रीय लोक अदालत 12 को बनाए गए 3 बेंच। विधिक सेवा प्राधिकार बिहार पटना के तत्वाधान में नवगछिया व्यवहार न्यायालय में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मामले के निष्पादन को लेकर 3 बेंच बनाए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बीमा, बैंक, दुर्घटना बीमा, BSNL सहित सुलहनीय आपराधिक मामले का भी निपटारा किया जाएगा। नवगछिया के भवानीपुर में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। रंगरा चौक प्रखंड के भवानीपुर पंचायत में बुधवार को प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अजय कुमार झा ने नल जल योजना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड संख्या 12 में जल नल में कार्य को लेकर अनुरक्षक से पूछताछ की तथा पंचायत में नियुक्त कार्यपालक सहायक से लंबित चलने वाले योजनाओं की जानकारी ली। पंचायती राज पदाधिकारी ने तय समय के अंदर ऑडिट का काम करवाने का निर्देश दिया है। खरीक जीविका समूह के कोषाध्यक्ष से 50,000 की छिनतई। खरीक थाना क्षेत्र के SBI खरीक बाजार शाखा से 50,000 रुपए निकालकर अठनिया जा रही जीविका समूह के महिलाओं से घात लगाए मोटरसाइकिल सवार झपट मारों ने लीची बगान के समीप छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। महिलाओं ने खरीक थाना पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। संदर्भ में पूछे जाने पर अठनिया के तुलसी जीविका समूह की कोषाध्यक्ष उर्मिला देवी ने बताया कि वह अन्य 3 महिलाएं अनिता, सुनीता और नूतन के साथ बुधवार को बाजार के SBI से खरीक बाजार SBI से 50,000 की निकासी कर गांव जा रही थी। रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार झपटमार अपराधी ने झपट कर थैला छीन लिया जिसमें नगद 50,000 रुपए, आधार कार्ड, ATM कार्ड था। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें। विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303667170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी।
अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821।